सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आज प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला कारोबारी हसन अली पर हाथ डाल दिया। ईडी की टीम सुबह 7:30 बजे पुणे के पॉश इलाके गोरेगांव पार्क के ट्यूलिप अपार्टमेंट पहुंची। यहां हसन अली अपने परिवार के साथ रहता है। प्रवर्तन निदेशालय ने शाम 4 बजे तक उसके सीए की मौजूदगी में उसे पूछताछ की। इस दौरान हसन अली के लैपटॉप और कंप्यूटर की भी जांच की गई। 4:15 बजे प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हसन अली को हिरासत में ले लिया और पत्नी समेत उसे मुंबई ले गए। आपको बता दें, हैदराबाद से आने के बाद हसन अली पुणे के ट्यूलिप अपार्टमेंट में ही रह रहा है। साल 2006 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी ट्यूलिप अपार्टमेंट पर छापा मारा था, जिसके बाद हसन अली पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसी दौरान विदेश में हसन अली के 8 बैंक अकाउंट के बारे में पता चला था। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा था कि अब तक हसन अली पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।